सोडा पी लिया था तो गैस एकदम से रोजा खोलने के बाद पी लिया ना तो सर में चढ़ गई थी गैस। जल्दी से उठी हूँ और फटाफट से मैंने हमीर को उठाया, वासिफ को उठाया और मैंने बोला क्या खाएंगे सहरी। हाँ जी क्या मिला आज, हमारी सहरी गोल हुई है ना आज, पुलाव तो मजेदार लग रहा है। स्कूल का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है कल से इन्हें स्कूल जाना है। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ भाई? ये बच्चा बहुत शरारती हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, जो सिखाया था सब याद है। तो जी गाइस आज ये आए हैं नए वाले अजवाइन वाले पापड़ जो कि। हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिफ ऑफिशियल ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 3, तो चलिए इस नए ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी हो गया सहरी का टाइम और मैं आपको बताती हूँ, आपको तो पता ही होगा लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो हम गए थे मार्केट शॉपिंग करने और फिर वहाँ से आते आते 10-11 बज गए थे, तो मैंने कुछ पकाया नहीं था और बच्चों को मैंने पराठा खिला दिया, बच्चे खाकर सो गए थे। और उसके बाद मैंने सहरी के लिए मैं सोच रही थी आगे फटाफट से कुछ पका लूँगी, बट पकाने का टाइम ही नहीं मिला। और 2 बजे के करीब ना मेरी अजीब सी तबीयत होने लगी, सर में भारीपन और उल्टी का मन होने लगा, पता नहीं कैसे अजीब होने लगा, सर इतना भारी हो रहा, इतना भारी हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी आधे घंटे पहले तक भी मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और मेरा कुछ ना खाने का पानी तक पीऊँगी तो उल्टी आ जाएगी ऐसा लग रहा था। तो मेरी जो है ना, मैंने वहाँ पर मार्केट में ना सोडा पी लिया था तो गैस एकदम से रोज़ा खुलने के बाद पी लिया ना तो सर में चढ़ गई थी गैस, और इस वजह से ना मुझे ऐसा अजीब सा हो रहा था। मैंने थोड़ी दवाई वगैरह ली है और अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि वासिफ आ गए पीछे और मैंने सहरी में कुछ नहीं पकाया। फिर 3 बजे मैं अब जल्दी से उठी हूँ और फटाफट से मैंने हमीर को उठाया, वासिफ को उठाया और मैंने बोला क्या खाएंगे सहरी में, तो ये कुछ लेने गए थे बाहर से, पता नहीं क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा, आज की सहरी बाहर के खाने में होगी, आज कुछ नहीं पकाया सहरी में, लेट भी हो गया था, तबीयत भी अजीब सी हो गई थी मेरी। हाँ जी क्या मिला आज, हमारी सहरी गोल हुई है ना आज, कुछ नहीं पकाया हमने, शीरमाल और पुलाव। तो मैं आपको बता ही रही थी कि आज कुछ नहीं पकाया, तो मैंने कहा जो सही लगे आप ले आओ फटाफट से, सहरी का टाइम निकल रहा है, पुलाव मिला है, पुलाव खाते हैं, थोड़ा शीरमाल चाय खाएंगे। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। पुलाव तो मज़ेदार लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, चिकन पुलाव। और मैं यहाँ पर हल्की आज फिर चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। चलिए सहरी करते हैं, सहरी नंबर 22। बाई तो जी गाइस पुलाव गरम हो गया है, चलिए सहरी करते हैं और आज सहरी में चिकन पुलाव वो भी बाजार का अच्छा है, सही है, मिर्चे तो नहीं है ज्यादा, नहीं मिर्ची नहीं है, अच्छा लग रहा है, हल्का सा है तेज लेकिन ठीक है, चावल तो खिला खिला। हाँ टेस्ट में भी जी। तो भाई फजर की नमाज हो गई है, चलते हैं घर और सो के उठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 7 hours later किसके बॉडी लोशन लगाना है? कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, आराम से फिर लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी, आराम से फिर लड़ाई हो जाएगी, मायशा रहने दीजिए। हाँ ऐसे लेट बस। हाँ जी गाइस तो वेलकम बैक, हो गया है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की दोपहर भी हो गई है, मैंने कोई शॉट ही नहीं लिया था। असल में आज क्या हुआ, बच्चे बच्चे उठ गए हैं और बच्चे बच्चे खूब देर से खेल रहे हैं। आज क्या हुआ, आज मैं सुबह वही 6 बजे नमाज पढ़ने के बाद, और उसके बाद फिर मेरी 8 बजे आँख खुली, एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो फिर मैं उस कॉल पे बात करने लगी, उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई, फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, फिर गेट बज गया, फिर उठी, फिर थोड़ी देर के लिए लेटी, फिर गेट बज गया, तो आज मुझे सुबह में नींद ही नहीं आई, फिर मैं जागी गई, 11 बजे आँख खुली, फिर मैं उठी गई, फिर बच्चे भी उठ गए और आज हम थोड़ा सा मतलब मैं सो नहीं पाई सुबह के टाइम सही से, मुझे नींद नहीं आई, तो अभी थोड़ा मुझे ऐसे 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 वाली झपकी आ रही थी बैठे बैठे, मैं फटाफट से उठी, फिर मैंने जो है वुजू बनाया, नमाज़ पढ़ी, जोहर की नमाज हो गई है, मैंने भी पढ़ ली, वासिफ ने भी पढ़ ली। चलिए इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड
कल से शुरू हो गई है आपकी और मेरी दोनों की ड्यूटी। किस चीज़ की? इनका स्कूल का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है कल से इन्हें स्कूल जाना है। तो गाइस माहिरा का आपको तो पता ही रिजल्ट आ गया था, बताया था, और कल से 3 तारीख से 3 अप्रैल से इनकी नई क्लास का पहला दिन कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल से हमारी ड्यूटी वैसे ही शुरू हो रही है। कल से जाएंगी माहिरा। हाँ माहिरा, एक्साइटेड हो? यस, बहुत एक्साइटेड। थर्ड में आ गई अब आप? yes. हाँ यार, ईद के बाद ही कर देते, 3 तारीख से कर दिया, अब देखते हैं। क्या हुआ? भाई ये बच्चा बहुत शरारती हो रहा है, बहुत शरारती। देखो शरारत इसकी, देखो इसकी शरारत। तो गाइस अब हो गया है असर का टाइम और असर की नमाज मैंने पढ़ ली है। बच्चे एज यूजुअल अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले गए और कल से माहिरा का स्कूल भी है। मेरे को तो अभी से टेंशन हो रही है, दस जो चीज़ें उसकी तैयार करनी है, ड्रेस बैग हर चीज़ तैयार करनी है, वो सब इफ्तार के बाद करेंगे। फिलहाल कर लेते हैं इफ्तार की तैयारी, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं आज क्या क्या बनने वाला है इफ्तार में। तो जी गाइस 6:05 और यहाँ इफ्तारी कटनी शुरू हो गई है। केले कट रहे हैं और पता नहीं पपीते में क्या हो गया, पपीता ही नहीं आ रहा है सही, बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा। जितने भी लेकर आ रहे हैं खुद बेचते टाइम ही बोल रहे हैं भाई अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, पका हुआ नहीं है, पता नहीं क्या पपीते में आफत आ गई। कोई बात नहीं, तो आज हम खरबूजा लेकर आए हैं। वैसे तो खरबूजे का सीज़न आया नहीं है, लेकिन हम ले आए हैं, फिर भी देखते हैं कैसा निकलता है। सिंपल ही रखते हैं, रोज नहीं अच्छा, कीमे का समोसे सिंपल होते हैं, हैं पिज्जा सिंपल होता है, चिल्ली चिकन सिंपल होता है। ओ माय गॉड, रोज बढ़िया बढ़िया चीजें बननी है, एक दो दिन ही हुआ होगा सिंपल। रोजा लग गया और अभी ना मैं कीमा भी लेकर आया हूँ, तो आज शाम में डिनर में कीमा बनेगा। कीमा हरी मिर्च कीमा या कीमे में कुछ डलेगा। तो हमारा जो कसाई है ना भाई साहब, फुल ऑन तपा हुआ था। जैसे मैंने बोला कीमा भाई, कीमा यार भाई तुम तो मत लो यार, मैंने कहा भाई क्यों यार, अब भाई कह रहा 3 घंटे हो गए कीमा कूटते हुए, जो आ रही है कीमा, पता नहीं क्या हो जाता है रमजानों में लोगों को, दे कीमे, गोश्त कोई ले नहीं रहा है, गोश्त कोई लेने को राजी नहीं है। मैंने कहा भाई हमें तो दे दे, चल यार मुझे तो कीमा ही लेना था। तो बेचारा थक गया वो कूटते यार, कीमा कूटना आसान बात है। ये आ गई है पार्क से खेल के और ये तस्वीर पढ़ने बैठ गई है। भैया बिना बुलाए आते नहीं हो तुम दोनों? हम आने वाले थे। बहुत पिटाई लगेगी, बहुत पिटाई। यहाँ पे फ्रूट चार्ट कट गई है, तरबूज भी कट गया है एंड किचन में चलते हैं। तो किचन में बन रही हैं आज आलू की गोल वाली पकौड़ियाँ, दिखाती हूँ आपको ये वाली। अभी ये एक फ्राई होके निकली है, डबल फ्राई होंगी और ऐसी क्रिस्पी हो जाती हैं, बहुत ही मजे की, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जो सिखाया था सब याद है। तो जी गाइस आज ये आए हैं नए वाले अजवाइन वाले पापड़, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पर पापड़ फ्राई हो गए हैं और पकौड़े भी बस एक बार के रह गए होने। हाँ जी, क्या ईद की शॉपिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी, तो कब लेके चलेंगे दोबारा? क्या लेना बाकी है अभी बताओ? जूते। किसके? मेरे। हाँ अप्पी के तो फुटवेयर ले लिए, माइचू के नहीं लिए अभी बाकी है, लेने। चाय आ गई यार, तो बता रहे हैं चाय लाते हैं और फट्टा पकड़ के खींच गए, अभी गिर जाती मैं चाय लेके। हाँ जी, तो गाइज आ गई है इफ्तार के बाद की चाय, बड़े टाइमली चाय बना ली, देर हो जाती है ना फिर गैस वैस बनती है। साथ में हम खा रहे हैं पापड़ शापड़, ये बच्चे भी बैठे हुए हैं और अभी चाय पीने के बाद मुझे बनाना है इनका बैग,
इनकी ड्रेस बना के रखनी है, इनकी बुक्स पहले वाली हटानी है, नई वाली लगानी है, क्या क्या करना है वो सारी कल के स्कूल की तैयारी करनी है। और कल मुझे भेजना है माहिरा को सुबह उठ के स्कूल, मतलब सहरी के बाद सोऊंगी नहीं, पहले स्कूल भेजूंगी फिर सोऊंगी। आज तो बहुत ही अजीब सी हो रही है, इतनी नींद वाला चेहरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है आंखें अपने आप बंद हुई जा रही है। नहीं बेटा नहीं 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 नो डे, ऐसे ही खाते हैं इसे, चाय खराब हो जाएगी। तो जी गाइस यहाँ पे माहिरा की न्यू ड्रेस ट्राई की जा रही है पहन के, क्योंकि इनकी ड्रेस निकाल के रखनी है, अब सुबह जाना है इनको स्कूल, तो आज ही करना पड़ेगा। आज का पहला दिन कैसा फील हो रहा है? एक्साइटमेंट हो रही है, तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही है और हमें नहीं हो रही, हमें हो रही है। सहरी खा के लेटेंगे और उसके बाद सोने का टाइम होगा, फौरन ही उठ के जाओ इन्हें छोड़ने के लिए, ईद के बाद ही खोल देते स्कूल। चलिए चेंज करिए बेटा, गंदी हो जाएगी ड्रेस। तुम क्या कह रही हो, तुम भी जाओगी स्कूल? हाँ, ये भी अप्पी के साथ चले आना तुम भी, झाड़ के रखते सब ड्रेस। तो जी चलिए फिर गाइस इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।